शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर को प्रणाम किया। शिव शांति के देवता है। आपने अधिकांश पढ़ा होगा, सुना होगा कि शंकर जी तामस के देव हैं, लेकिन हम अक्सर कहा करते हैं, ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने शिव को जाना नहीं, समझा नहीं। शंकर जी क्या है? शंकर जी को कभी भी आपने स्वरूप देखा हो शिव का, तो शंकर जी की आधी आंख बंद होती है, आधी खुली होती है, और शिव योग मुद्रा में ज़्यादातर आपको दर्शन होगा शंकर जी का। समाधि मुद्रा में शिव बैठे, ध्यान की मुद्रा में शिव बैठे। अच्छा, आपसे एक बात पूछ लें, तामसी व्यक्ति समाधि में बैठ सकता है क्या? तामसी व्यक्ति लड़ेगा, विवाद करेगा, तामसी व्यक्ति अशांति फैलाएगा, तामसी व्यक्ति आलस्य फैलाएगा, जाकर के सो जाएगा, ये तामस के प्रधान लक्षण है। लेकिन तामसी व्यक्ति कभी राम नाम नहीं गा सकता, तामसी व्यक्ति कभी समाधि में ही, ध्यान में, योग में, समाधि में नहीं बैठ सकता, और तामसी व्यक्ति कभी भी कथा में नहीं बैठ सकता। और शंकर जी यही करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं? पाए सुसमऊ शिवासन भाका। शंकर जी, पार्वती जी, कोई और नहीं है कैलाश पर, पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी को श्रोता बना लेते हैं और शंकर जी कथा करते हैं, है ना? पत्नी को श्रोता बना करके शंकर जी कथा सुना रहे हैं। आप सुना सकते हो? आप लोग सुना सकते हो क्या? कहा महाराज, घर में जाते ही तो हम ही श्रोता हो जाते हैं, वहां तो है ना, जितने हैं वहां तो श्रोता खुद ही बन जाते हैं। पर शंकर ऐसे देव हैं जो पत्नी को श्रोता बना करके सुना रहे हैं पार्वती जी को। जब जब शंकर एकांत में होते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम का जप करते, संतत जपे शंभु अविनाशी। संतत मतलब निरंतर शंकर जी राम नाम का जाप करते हैं, और जब कहीं कोई ना हो तो शंकर लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि में बैठ जाते हैं। ये तीन काम है शंकर जी के। तो बताओ जरा, शंकर जी तामस के देव हैं? शंकर जी यदि तामस के देव होते तो तीन में से एक भी नहीं कर पाते महाराज। तो शंकर तामस के देव नहीं है,